नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज एमपी छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। करते हैं खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर छत्तीसगढ़ पंचायत से जुड़ी हुई, ये बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि कोरिया में मतदान जारी है, इस वक्त की बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। कोरिया में मतदान फिलहाल जारी है, भारी संख्या में मतदान स्थल मतदाता पहुंच रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तस्वीर आप देख सकते हैं, मतदाता यहां पर पहुंच रहे हैं मतदान करने के लिए। छत्तीसगढ़ पंचायत चुनाव के लिए ये मतदान यहां पर किया जा रहा है। तो कोरिया में फिलहाल मतदान यहां पर जारी है, भारी संख्या में मतदाता स्थल पर मतदाता पहुंच रहे हैं। तो मतदान स्थल पर मतदाता पहुंच रहे हैं। आपको बता दें छत्तीसगढ़ में पंचायत चुनाव हो रहे हैं कोरिया में, जहां पर चुनाव के बाद आज ही मतगणना भी यहां पर हो जाएगी। तो चुनाव के बाद मतगणना यहां पर होगी और सुबह 7 बजे से ही यहां पर वोटिंग जारी है। बताया जा रहा है कि 3 बजे तक ये वोटिंग यहां पर होगी और इस बीच मतदाताओं में खासा उत्साह भी देखने को मिल रहा है। तो चुनाव के बाद मतगणना यहां पर कराई जाएगी, अभी फिलहाल वोटिंग यहां पर हो रही है, देख सकते हैं। और जो मतदाता हैं वो भी मतदान स्थल पर पहुंच रहे हैं, खासा उत्साह उनको देखने को मिल रहा है। और मतदान की इस प्रक्रिया के लिए तमाम व्यवस्था वहां पर की गई है, सुरक्षा बल भी वहां पर तैनात किए गए हैं। तो चुनाव के बाद मतगणना भी आज ही करा दी जाएगी, बताया जा रहा है। मतदाता में खासा उत्साह यहां पर देखने को मिल रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं कोरिया में की, जहां पर पंचायत चुनाव को लेकर अभी फिलहाल वोटिंग यहां पर हो रही है और दोपहर तक ये वोटिंग चलेगी, यानी कि 3 बजे तक। और जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि कोरोना काल के समय में जिस तरह से तीसरी लहर है, ओमिक्रॉन की दस्तक है, उसको देखते हुए प्रशासन के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में जो जागरूकता नजर आई है वो कहीं ना कहीं काबिले तारीफ है। क्योंकि अगर मैं बात करूं तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो भी महिलाएं हैं उसको कृपा कर मास्क लगाए हुए हैं, प्रशासन मास्क लगाए हुए हैं, जो है वो भी मास्क लगा के आप मतदान करके पहुंचे हैं। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की जो व्यवस्था है वो यहाँ पर काबिले तारीफ है चुनाव को लेकर के। और ग्रामीण क्षेत्रों में चुनाव कराना बहुत बड़ी बात हो जाती है, ग्रामीणों को समझाने की बात जो आती है उसको लेकर के अक्सर करके बातें उठती है, लेकिन तस्वीरें बिल्कुल अलग है। ग्रामीण जो है वो खुद मास्क लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का बाकायदा बराबर पूरा फॉलो कर रहे हैं और मतदान कर रहे हैं, अपने जनप्रतिनिधि चुनने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। जी वही पेंड्रा में फिलहाल क्या स्थिति है राकेश, क्योंकि कोविड भी यहां पर चल रहा है, तो कोविड को लेकर क्या व्यवस्था की गई है, साथ ही और क्या इंतजाम है? जी सर, तो बताना चाहूंगा जिले में कोविड के जो पेशेंट है वो लगातार बढ़ोतरी हो रही है, हर रोज 50 से ऊपर ही पेशेंट आ रहे हैं। उसको देखते हुए जिला प्रशासन ने जो मतदान केंद्र है वहां पे अधिकारियों को लगा रखा है, पुलिस के जवान लगे हुए हैं, जो गेट पे ही जो मतदाता आ रहे हैं उनको कोविड प्रोटोकॉल के तहत अंदर भेज रहे हैं, मास्क है, सोशल डिस्टेंसिंग है, साथ ही सैनिटाइजर का भी प्रयोग किया जा रहा है कि किसी तरह का जो कोई अनहोनी न हो या कोविड फैल न पाए। आपको दिखाना चाहूंगा अंदर की तस्वीर मतदान केंद्र की, देखिए सुरक्षाकर्मी बैठे हैं जो मास्क लगाए हुए हैं, साथ ही अंदर दिखाना चाहूंगा ये मतदान केंद्र है जहाँ पे मतदान चल रहा है और जहाँ पे जो लोग है देख पा रहे हैं मास्क उपयोग किए हुए हैं, साथ ही जो मतदान कर्मी वो ग्लव्स और मास्क के साथ ही सैनिटाइजर का प्रयोग कर रहे हैं, साथ ही जो मतदाता आ रहे हैं उनको भी विशेष कहा जा रहा है कि मास्क लगाइए, सैनिटाइजर का प्रयोग कीजिए या ग्लव्स लगाइए। ये कहा जा सकता है प्रशासन एक अच्छा पहल कर रहा है कोविड प्रोटोकॉल के तहत कि जो मतदाता मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं वो कोविड प्रोटोकॉल का जरूर प्रयोग करें और जो पुलिस का नियम है उसको उल्लंघन न हो उसके तहत मतदान कराया जाए। प्रशासन काफी मुस्तैद है, पुलिस के काफी जवान लगाए गए हैं मतदान केंद्रों में और सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ कोरोना प्रोटोकॉल का भी पालन कराया जा रहा है। जी कोरिया रुक करेंगे, कोरिया में हमारे सहयोगी हैं सिकंदर। और वहां पे मतदाताओं की बात करें, कितनी भीड़ फिलहाल देखी जा रही है और कब तक ये वोटिंग चलने वाली है? तो क्योंकि 10 बज रहे हैं तो लोग घरों से बाहर अब ज्यादा निकलना शुरू होंगे, क्योंकि सुबह सुबह है, सर्दी का वक्त भी है, तो क्या किस तरह से जनसंख्या रही कि सुबह के वक्त कितने लोग पहुंचे और अभी क्या है स्थिति? देखिए सर, इसका अक्सर करके अगर पंचायत चुनाव की बात किया जाए
तो ग्रामीण क्षेत्रों में मतदान करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है चुनाव आयोग के। लेकिन जिस तरह से लोगों में जागरूकता दिख रही है, बड़ी बात है कि महिलाएं और बेटियां सबसे ज्यादा अब तस्वीर के मतदान के ग्राम पंचायत पे यहाँ मौजूद है, यहाँ मतदान हो रहा है। और जो तस्वीरें दिख रही है मैंने की महिलाएं हैं, लगभग लगभग महिलाओं की तादाद जो वो सुबह से घर के जो काम होते हैं और वो काम को करके मतदान केंद्र में पहुंचे हैं और मतदान करते हैं। बिल्कुल, हम देख रहे हैं कि महिलाएं काफी ज्यादा यहाँ पर हैं लेकिन पुरुष बहुत ही कम यहाँ पर दिख रहे हैं। तो क्या लगता है कि एक गांव है तो पहले महिलाएं पहुंच रही हैं एकजुट होकर, फिर उसके बाद पुरुष एकजुट होकर आएंगे, क्या इस तरह की कुछ प्लानिंग है? बिल्कुल, देखिए जो घर के निजी काम है तो कहीं ना कहीं महिलाएं वो निपटा के यहाँ पहुंची हुई है, और जो पुरुष है वो भी धीरे 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 यहाँ पर मतदान करने पहुंच रहे हैं और लगभग 3 बजे तक यहाँ मतदान होगा। भारी संख्या में मतदान केंद्र भीड़े, लोगों में उत्साह तो यहाँ नजर आ रहा है क्योंकि अपने जनप्रतिनिधि चुनने के लिए जिस तरह से भारी संख्या में मतदान केंद्रों में मतदाताओं की संख्या नजर आ रही है तो कहीं ना कहीं चुनाव को लेकर के मतदान को लेकर के अपने जनप्रतिनिधि को चुनने के लिए लोगों में भारी उत्साह यहाँ पर है। चलिए सिकंदर राकेश, आप दोनों का फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, आगे और भी अपडेट हम लेते रहेंगे लेकिन फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अपने अपने एरिया से पूरी जानकारी पहुंचाने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। जिला गोरेला पेंड्रा मरवाही में पंचायत चुनाव को लेकर मतदाताओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। मतदान केंद्रों पर सुबह से ही मतदाता अपने मतों का उपयोग करने पहुंचने लगे हैं। जिले में 20 ग्राम पंचायतों में 21 पदों पर उपचुनाव होना है जिसको लेकर 25 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इन मतदान केंद्रों पर 4 सरपंच और 17 पंचों का चुनाव होना है। देखिए संवाददाता की एक खास रिपोर्ट। त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनाव 20 जनवरी को उपचुनाव होना था और अब आज 20 जनवरी है और मतदान शुरू हो गया। मैं अभी बंदी के मतदान केंद्र में खड़ा हूं और सुबह से यहां पे मतदाताओं की जो लाइन है वो शुरू हो गई है और सुबह से ही मतदाता यहां पे पहुंचने लगे हैं अपने सरपंच को चुनने के लिए। मैं आपको दिखाऊंगा ये मतदान केंद्र है और यहां पे अभी तो सुरक्षा कर्मी खड़े हुए हैं क्योंकि मतदान को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं जिसके चलते यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था देख पा रहे हैं। पुलिस के जवान खड़े हैं जो सुरक्षा में लगे हैं। साथ ही मतदान केंद्र है, यहीं पे मतदान शुरू हुआ है और आज मतदान किया जा रहा है। कोविड प्रोटोकॉल के तहत यहाँ पे मतदान किया जा रहा है क्योंकि किसी प्रकार का कोई कोरोना नियमों का उल्लंघन ना हो उसको देखते हुए यहाँ पे प्रशासन ने व्यवस्था किया है कि जो कोरोना का प्रोटोकॉल है उसका पालन करते हुए मतदान किया जाए और मतदाता सुबह से ही मतदान केंद्र में पहुँचने लगे हैं। मैं आपको दिखाऊंगा ये मतदान केंद्र है और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे वोटिंग शुरू हो गई है। सुबह 7 बजे वोटिंग का टाइम दिया गया था और मतदान शुरू हो गया है, मतदाता भी पहुंचने लगे हैं, मतदाताओं की लाइन भी शुरू हो गई है और प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए हैं कि किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो। कुछ मतदाता उनसे बात करते हैं किस तरह से पहुंचे हैं, क्या सोच लेके मतदान करने पहुंचे हैं। जी क्या नाम आपका? ये शायद बोल नहीं पा रही, एक और है उसको, क्या नाम आपका? मानपुर से मतदान करने पहुंचे हैं, क्या समस्या है, क्या सोच कर पहुंचे हैं? हमारे सरपंच को वोटिंग करने आए हैं, तो ये मतदाता थे जो बता रहे थे कि सरपंचिंग का वोटिंग करने आए हैं, सरपंच नहीं है इसलिए नए सरपंच चुनने के लिए मतदान करने आए। एक और मतदाता उससे बात करते हैं, क्या नाम आपका? कुसुम जी, मतदान करने पहुंचे हैं, क्या सोच रहे हैं, मन में क्या समस्या है गांव की जिसको देकर मतदान करें? हमारे गांव के सरपंच नहीं है, नया सरपंच बनना चाहता इसलिए मतदान कर रहे हैं। तो ये सुना आपने मतदाता है जो कह रहे थे कि नया सरपंच चुनने के लिए मतदान करने आए हैं और गांव की जो समस्या है उनको देखते ही मतदान करेंगे ताकि कि गांव की समस्या खत्म हो सके। राकेश मिश्रा, इंडिया न्यूज, पेंड्रा।